न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। यूपी के मथुरा में एक मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले फैजल और उसके दोस्त चांद ने मथुरा के बरसाना में नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी। इस घटना के बाद मथुरा में संत समाज में काफी नाराजगी है। दावा किया जा रहा है कि 29 अक्टूबर को चार लोग नंदगांव मंदिर आए थे। इनमें से युवक ने टोपी लगा रखी थी। पुजारी के पूछे जाने पर उन्होंने जवाब दिया कि कृष्ण सबके हैं। जानकारी के मुताबिक चारों लोग दिल्ली से साइकिल से ब्रज की 84 कोसी यात्रा करने आए थे। आरोप है कि मंदिर में दो लोगों ने नमाज पढ़ी और फिर इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिस अकाउंट से सोशल मीडिया पर इस फोटो को वायरल किया गया वो कौमी एकता मंच के मधुवन दत्त चतुर्वेदी का है। मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहते हुए तस्वीरें पोस्ट की थी। सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद ही इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद मंदिर के पुजारी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक फैजल और चांद के साथ गांधी कार्यकर्ता नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न भी मौजूद थे। भगवान श्री कृष्ण का स्थान जहाँ पवित्र मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर है, वहां पर जो है दो मुसलमान भाइयों ने जो नवाज अदा किए, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और जिस पुजारी ने यह करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने दो महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। कल दिनांक 1 नवंबर को थाना बरसाना में नंद बाबा मंदिर के सेवायत श्री कान्हा गोस्वामी द्वारा सूचना दी गई कि विगत 29 अक्टूबर को दो व्यक्तियों द्वारा मंदिर परिसर में आकर दर्शन किया गया, इसी दौरान उनके द्वारा नमाज अदा कर ली गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्य सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए, मथुरा के मंदिर से ये हैरान करने वाली खबर आई है। जैसे कि तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिन लोगों ने मंदिर के भीतर नमाज अदा की उन्होंने इसका वीडियो बनाकर इसको वायरल भी किया। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह और मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले नितिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ये चार लोग दिल्ली से साइकिल से मथुरा आते हैं और इस तरह से मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, क्या इसके पीछे किसी तरह की मंशा थी उनकी? क्या जानकारी मिल पा रही है? नितिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 एक बार नितिन, मेरा सवाल जी जी मेरा सवाल आपसे ये है नितिन, कि ये चार लड़के जिस तरह से साइकिल से दिल्ली से मथुरा आए और एक मंदिर के भीतर इन्होंने नमाज अदा की, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग, क्या इसकी आशंका जताई जा रही है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अगर बात करी जाए तो इस सारे मामले को लेकर जहां सेवायत गोस्वामी उनमें आक्रोश है, वहीं पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में नमाज अदा की गई और उसके बाद उनकी फ़ोटो खींची गई, और फ़ोटो खींचने के बाद कौमी एकता मंच से जुड़े लोगों ने इस फोटो को वायरल किया और एक जो है भाईचारे की मिसाल इसको बताया, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए एक चुनौती है। और पुलिस के अधिकारी साथ में खुफिया विभाग जो है इस बात में लगा हुआ है कि आखिर ये सारा घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, इसके पीछे क्या हाथ है। क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिन कौमी एकता के मंच के वकील के द्वारा ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, फेसबुक और आईडी पर पोस्ट की गई हैं, उन्होंने ही पीएफआई के जो चार सदस्य हैं उनमें उनकी बेल एप्लीकेशन भी लगा रखी है। मथुरा में वो कलेक्ट्रेट पर अपने कचहरी पर वकील भी हैं, तो उन्होंने लगा रखी। तो इसी को लेकर सारा का सारा संशय है। और पुलिस कि पीएफआई के चार सदस्यों की बेल एप्लीकेशन के मामले में भी कौमी एकता मंच के उस शख्स का हाथ है जिसने इस तस्वीर को हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़े जाने का मामला सामने आने के बाद शुद्धिकरण के लिए मंदिर में हवन और गंगा जल का छिड़काव किया गया। नमाज पढ़ने की खबर से लोगों और खासतौर पर साधु संतों में नाराजगी है। संत समाज ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमने आया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब हम किसी की मस्जिद में जाकर के पूजा नहीं करते,
तो क्यों इस प्रकार से उकसावे की राजनीति की जा रही है, आपसी भाईचारे को खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे मौलानाओं पे और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई करे जो दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों में जाकर के अपने धर्म की बात करने की बात करते हैं। ये सदा सरासर अनुचित है, गलत है। वहाँ पर जो है दो मुसलमान भाइयों ने जो नवाज अदा किए इसका हम घोर विरोध करते हैं, और जिस पुजारी ने ये करवाया है हम उसकी भी निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उस पुजारी को कम से कम महीने दो महीने के लिए मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए और लिखित में लिख के लिया जाए कि अब वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मथुरा में एक मंदिर में हुई नमाज को लेकर यूपी सरकार काफी सख्त हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही संवाददाता अजीत भी लखनऊ से मौजूद है। सबसे पहले अजीत, ये जो पूरा मामला है, इसमें जब ये लोग नमाज अदा कर रहे थे तो वहां पर दो गांधीवादी कार्यकर्ताओं का होना, फिर कौमी एकता मंच का लिंक सामने आना, और जैसा अभी नितिन बता रहे थे हमारे संवाददाता कि कौमी एकता मंच के उस शख्स ने पीएफआई के चार सदस्यों की बेलर्जी लगा रखी है, तो ये मामला सिर्फ नमाज अदा करने तक नहीं लग रहा है अजीत, ये तो इससे बड़ा मामला लग रहा है। देखिए बिल्कुल नेहा, ये मामला छोटा नहीं है, मामला बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से मधुवन दत्त चतुर्वेदी ने ये फोटो अपने अपने फेसबुक अकाउंट से वायरल किए हैं, इस मामले में FIR दर्ज हो गई है, जांच भी चल रही है। और ये वही मधुवन दत्त चतुर्वेदी है जो मथुरा में PFI के वो चार सदस्य जो पकड़े गए थे, जिनके पास से उनके हाथ जस्टिस पास हाथरस का अकाउंट मिला था, कई सारी भड़काऊ साहित्य मिले थे, जिसकी जांच STF कर रही है, ED भी कर रही है। तो ये उन चारों आरोपियों के वकील भी हैं, लेकिन हालांकि इनकी तरफ से जो बात की गई थी वो साफ तौर पर उनका कहना है कि मैं एक अभिव्यक्ता हूँ, किसी का भी केस लड़ सकता हूँ, लेकिन ये फोटो जो उन्होंने पोस्ट की है वो हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाते हुए की है। लेकिन इसको लेकर काफी रिएक्शन है, पुलिस इस बात की जांच जरूर कर रही है नेहा कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ और लोग हैं या इसके पीछे साजिश फैलाने की कोई और साजिश थी ये लोग रच रहे थे। हालांकि जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मथुरा से ही वो MLA हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग शांति भंग करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे यहां पर उन्होंने ही News18 इंडिया से बातचीत की है। तो हम आपको बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दावा किया है कि कुछ लोग साजिश के तहत यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं और उनके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग प्रदेश के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कठोर कानून है, देश में भी बहुत कठोर कानून है, और सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती के साथ निपटेगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का जो रुख है वो काफी सख्त है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण जी हमारे साथ हैं। शेष जी, पहली नजर में ये मामला आप किस तरह से देख रहे हैं? इसमें कई एंगल हैं और यूपी सरकार के मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये यूपी की कानून व्यवस्था और सौहार्द को बिगाड़ने के लिए एक साजिश हो सकती है। अब मंत्री जी जो कह रहे हैं वो तो अपना कहेंगे, उनकी बात ठीक है, लेकिन ये जो बात हो रही है कि आप मंदिर में जाके नमाज पढ़ देंगे या आप मस्जिद में जाके घंटी बजाने लगेंगे, इन बातों को निश्चित रूप से तोड़फाड़ की और ये झगड़ा कराने के पे आमादा लोगों का ही खेल है। और अगर दो गांधीवादी तथा कथित वहां खड़े थे तो गांधी बाबा ने तो कभी किसी को मंदिर में बुला के नमाज नहीं पढ़वाया, और जबकि मुसलमानों की उनसे बड़ा रटक कोई था नहीं। देखो भाई नेहा, सीधी बात है कि सेकुलरिज्म के नाम पे आप किसी भी धर्म की तारीफ नहीं कर सकते। हम मुसलमान की रक्षा, उसके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, उसके धर्म की प्रैक्टिस की सुरक्षा लेकिन करते हैं, उसकी वकालत हम करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के मामले में, किसी दूसरे के धार्मिक आजादी में दखल देने की जो प्रवृत्ति है, ये जो इन्होंने करवाया है उसके हम खिलाफ हैं। हम इस्लाम को, हम कुरान को, हम शरीयत की ला को हम सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। हम हजरत मोहम्मद ने क्या किया क्या नहीं किया हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इंडिविजुअल है, जो भी व्यक्ति है, और हिंदू धर्म में भी वही है, अगर आप अपने धार्मिक कारणों से किसी मुसलमान को मारते हैं या कुछ करते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। स्टेट की पोजीशन सीधा सीधा ये है, और उसमें खबरों में बने रहने के लिए आप अगर किसी को लाके अपने मंदिर में नमाज पढ़वाते हैं या किसी मस्जिद में जाके आप घंटा घड़ियाल बजाते हैं तो ये तो घटियापन है। इसकी निंदा तो हम करेंगे, हमारी हैसियत में
है। बिल्कुल, और लेकिन सरकार को चाहिए, जब आप अपनी बात रख रहे थे, आपने शुरुआत इस बात से की कि ये कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करने और जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश तो होती है, क्योंकि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ देखिए उसके बाद आनन फानन में किस तरह से कार्यवाही करनी पड़ी है। इस बीच मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप के बाद साधु संतों ने काफी नाराजगी जताई है। आरोप है कि मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ी गई। इसके बाद 4 लोगों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है और इसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण भी किया गया। मंदिर की पहले धुलाई की गई और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव किया गया। यही नहीं, मंदिर में हवन भी किया गया। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मंदिर की सफाई हुई, फिर मंदिर में हवन किया गया। साधु संत इस प्रकरण को लेकर खासे नाराज हैं और इस वजह से पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल का छिड़काव किया गया और ये सब कुछ इसीलिए करना पड़ा क्योंकि 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने का। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में 2 युवक दिल्ली से साइकिल से आते हैं मथुरा, उसके बाद कहते हैं कि कृष्ण सबके हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनके साथ 2 गांधीवादी कार्यकर्ता होते हैं और कौमी एकता मंच के अकाउंट से इस तस्वीर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण एक अलग रूप लेता है। माहौल बिगाड़ने की साजिश तक इसको बताया गया है प्रशासन द्वारा और यूपी सरकार ने बहुत साफ कहा है कि जो लोग भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मथुरा से नितिन गौतम मौजूद है। नितिन, ये बताइए किन किन धाराओं में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है? जी नितिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है नितिन का हम रुक करेंगे, अजीत के पास हम चलते हैं। अजीत, कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से छेड़छाड़ की ये कोशिश जान पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सुन रहे थे अजीत कि जो साधु संत है वो मंदिर के पुजारी और जो मंदिर का प्रशासन है वहाँ का स्थानीय, उनसे भी खासे नाराज दिखे कि आखिर उनकी मौजूदगी में इन लोगों ने इस तरह से नमाज कैसे पढ़ ली और वीडियो भी बना लिया उसका। देखिए बिल्कुल नेहा, ये लोग जब गए थे तो वहाँ इनको पुजारी की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, तो इन्होंने कहा कि हम 84 कोसी परिक्रमा से आ रहे हैं और भगवान की सबके हैं, यानी उन्होंने पुजारी को गुमराह करके मंदिर के अंदर चले गए और एक तरफ जिस तरफ कोई नहीं था वहाँ इन्होंने नमाज पढ़ी और वीडियो बना लिया। जो आप पूछ रही थी सवाल नितिन से कि किन धाराओं में FIR किया गया, इसीलिए यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें धार्मिक वैमनस्यता यानी आप सामाजिक जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद या वैमनस्यता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 120B यानी आप धोखाधड़ी से आप किसी काम को करते हैं, तो कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। SCS होम जो प्रमुख गृह हैं उनकी तरफ से DMSP से रिपोर्ट मांगी गई है और ठोस कार्रवाई की बात कही गई। नेहा, जिस तरह आपने देखा फ्रांस को लेकर मनोहर राणा पर आज यहाँ FIR दर्ज कर ली गई है कि आपने सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की, तो CM योगी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी धर्म का हो अगर वो धार्मिक उन्माद फैलाता है, सामाजिक समरसता को तोड़ने की कोशिश करता है तो सरकार उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। और यही वजह है कि लखनऊ में भी इस तरह की FIR दर्ज हुई है मुनव्वर राणा के खिलाफ, इसके अलावा मथुरा वाले केस में वहां FIR दर्ज हुई इन 4 के खिलाफ और उनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस लगातार दबिश भी दे रही है। नेहा जी बिल्कुल, अजीत आप रहिए हमारे साथ। इस बीच यूपी के मथुरा के एक मंदिर में नमाज पढ़ने का जो मामला सामने आया है इस पर हिंदू महासभा के चक्रपाणी ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने योगी सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूरे देश में लव जिहाद हो रहा है, उसी प्रकार से हमें लगता है मंदिर जिहाद है और मंदिरों में जिस प्रकार से प्रेम से घुस करके और कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता, हम लोग अपने रसखान को मानने वाले हैं और इनको मानने वाले हैं और कबीर को मानने वाले और जैसे सुनने में आया और घुस के फिर नमाज पढ़ा, तो आप ये देखिए कि रसखान तो नमाज नहीं पढ़ते थे लेकिन तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो ये तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं दंगे की आग में झोंकना था उत्तर प्रदेश को और इसकी पूरी तरह गहनता से जाँच की जानी चाहिए। तो स्वामी चक्रपाणी को आप सुन रहे थे, शेष जी आपने भी सुना, ये जो दंगे की बात कही जा रही है कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती तो है, मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़कर उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल करना, अगर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो ये मामला एक बिल्कुल अलग रूप ले सकता है। शेष जी
कुरुक्षेत्र में यार योगी का शासन है, हमारे हमारे लाठियों के इनकी हड्डियां बराबर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग, वहां पे ऐसा कुछ खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन ये बेहूदगी की इंतहा है। इस तरह की बात आप धार्मिक गारंटी आपको है धार्मिक स्वतंत्रता की, और ये जो कोई श्रीमान जी होंगे जो ले गए होंगे उनको वहां पढ़वा के फोटो दिखा रहे हैं, इनकी निंदा की जानी चाहिए। उसी तरह से मुनव्वर राणा की भी निंदा की जानी चाहिए। वो फ्रांस में जाके उस नोटरडेम को चर्च में उसने उसका गला काटा, और उसको कह रहे हैं कि नहीं उस युवक को इतना मजबूर कर दिया इन लोगों ने इस तरह करके कार्टून बना के कि वो उसका गला काट देगा। गला काटने को कहां से जस्टिफाई किया जा सकता है? तो इस तरह की जो बातें हैं, आप पूरी दुनिया में शरीयत लगाने चलेंगे तो हम सेकुलर होने के नाम पे हम आपको सपोर्ट थोड़े ही करेंगे। हम सेकुलर हैं लेकिन हम इस्लाम के या किसी धर्म के राज के समर्थक नहीं है। हम हिंदू राज के भी समर्थक नहीं है। हम ये पूरी दुनिया का ये इथॉस है। क्रिश्चियनिटी तो पूरे यूरोप में है, कहां क्रिश्चियनिटी का राज है कहां वहां? तो इस तरह से ये जो एटीट्यूड है, मुनव्वर राणा बड़े शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बातें करते हैं, उनको भी उनकी भी निंदा की जानी चाहिए और उनको भी पकड़ के बंद किया जाना चाहिए। तो क्या है भाई, आपका दिमाग खराब है? आप किसी का गला काटने को जस्टिफाई करेंगे इस नाम पे कि वो उसको मजबूर कर दिया आपने एक तस्वीर बना के? तो फ्रांस का एक रूल है, अब वो आज का रूल नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1769 से चला आ रहा है वो, कि वहां पर तो उन्होंने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था नेहा, तो उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी के पादरियों को मारा था कि भाई नहीं नहीं धार्मिक मामले का राज्य के मामलों में दखल नहीं होगा। और आप वहां पे चल रहे हैं कि नहीं साहब हमको तो किस हालत में फ्रांस ने शरण दिया, इज्जत की, सब कुछ किया, वही आप यहाँ करने जा रहे हैं? शेष जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी की मौत को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, किसी की हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से जब धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और इनको जिस तरह का रंग दिया जाता है उनको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमारे साथ नितिन लगातार मौजूद है मथुरा से। नितिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस की जांच इस मामले में कहां तक पहुंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के सामने बहुत साफ है कि इन चार लोगों पर अब केस दर्ज हो गया है और इनकी गिरफ्तारी करनी है। जी देखिए, जिस तरीके से जो मंदिर के गुसाई हैं उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें शिकायत करी थी, उसके साथ उन्होंने जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंचाने की बात लिखी थी, साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था क्योंकि जिस तरीके से मंदिर में नमाज पढ़ी गई थी, नमाज पढ़ने के बाद इतना बवाल नहीं था, लेकिन जिस तरीके से नमाज पढ़े जाने के बाद उन्होंने उन फोटो को खींचा है और उसको वायरल किया है, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम जो देश हैं उनसे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का भी मामला हुआ हो सकता है, इस बात का भी जिक्र मंदिर के सेवायत ने किया है। तो इसी को आधार मानते हुए पुलिस इन सब बातों की जांच कर रही है और लगातार पुलिस जो चारों आरोपी हैं नामजद हैं उनके खिलाफ उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रही है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। तो पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती है क्योंकि ये इन लोगों के खिलाफ लिखा गया मुकदमा, ये भी चार हैं और जो चार पहले पकड़े गए थे उनके खिलाफ जिनकी ईडी जाँच कर रही है, जो हाथरस में धार्मिक उन्माद फैलाने जा रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि मथुरा पुलिस के लिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इस मामले में अब ईडी जांच कर रही है, जल्दी से जल्दी तार्किक परिणाम तक पहुंचाने की जरूरत है। इस बीच मंदिर में नमाज पढ़ने पर साधु संत खासे नाराज हैं। साधु संतों ने चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार नमाज पढ़ने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वो आंदोलन करेंगे। नंद भवन मंदिर में जो नमाज पढ़ी गई यह जो है तो बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठाराघात है। जब इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो जहां भगवान की पूजा होती है, भगवान का पूजा पाठ होता है, वहां जाकर के नमाज अदा करना यह सनातन संस्कृति के विपरीत है, अमर्यादित है, अमानवीय है। और मथुरा विवाद से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए